अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साइपोन सिरप के बारे में। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। अगर आपको भूख नहीं लगता है तभी भी देख लें, मैं सही डोज बताऊंगा। साइपोन सिरप जिसे जीनो फार्मा द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि बहुत बेहतर कंपनी है। साइपोन सिरप जो है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला, इसका कंटेंट की बात कर लें तो साइप्रोपेप्टाइडिन हाइड्रोक्लोराइड ट्राइकोलाइन सेट्रेट्स सॉर्बिटॉल, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि संपूर्ण मात्रा में मिक्स है। साइप्रोपेप्टाइडिन हाइड्रोक्लोराइड है जो कि 2 mg है, ट्राइकोलाइन सेट्रेट है जो कि है 275 mg, और जो सॉर्बिटॉल है वो है 2 mg। इसका फार्मूला जो यही है फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको बता दिया, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इसका MRP है 104 रुपये, यहाँ पे आप देख सकते हो 104 रुपये, यानी 104 रुपये है। 200 ml का एक सिरप आता है, इजीली आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। इसका पैक आप देख लीजिए किस तरह के पैक में आता है, आप इसका पैक देख सकते हो, यहाँ पे आप इसका पैक देख सकते हो, कुछ इस तरह के पैक में आता है। अगर आपको साइपोन सिरप नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप ले सकते हो जिप्रोस और एप्टीमास्ट और साइपीएल, बहुत सारा सिरप आता है, कैमलाक्टिन सिरप है, ये सब आप ले सकते हो इजली, आपको मार्केट में ये मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता तो इसकी जगह पे ये सिरप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसे डॉक्टर कब देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसका इस्तेमाल किया जाता है साइपोन सिरप जो है, जब भूख की कमी होती है हमारे शरीर में, हमें भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत बेहतर काम करता है। आपके कमजोरी को भी दूर करेगा, आपको आपका वजन भी बढ़ाएगा, आप मोटे होंगे बदन में, अगर आपको कमजोरी है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। सबसे ज़्यादा जो चलने वाला सिरप है वो साइपोन ही है। साइपोन ड्रॉप आता है, साइपोन सिरप आता है, साइपोन कैप्सूल आता है, तो आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तीनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो, इजली काम करेगा। जो ड्रॉप है वो बच्चों के लिए है, सिरप बड़ों के लिए है, कैप्सूल भी बड़ों के लिए है। तो इसका उपयोग आप जान लिए कि यहाँ पे किया जाता है। जो इसकी सावधानी हम जान लेते हैं, सावधानी के बारे में, इसकी जो सावधानी है, इसे पीने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, या खाने के बाद, कोई भी दवा खाने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से परामर्श ले लें। इसे खाने के बाद ड्राइविंग ना करें, क्यों ना करें आपको आगे चल के पता चल जाएगा, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। किडनी संबंधित कोई दिक्कत हो तो इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, या लीवर के संबंधित कोई दिक्कत है तो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर से ले लें। इसे बच्चों की पहुँच से बिल्कुल भी दूर रखें फ्रेंड्स, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसे बच्चों की पहुँच से बिल्कुल भी दूर रखें। इसे एक अडल्ट व्यक्ति, मतलब एक अडल्ट व्यक्ति 5 से 10 ml सुबह शाम ले सकता है, खाना खाने के बाद या पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्टर से ले लें सलाह, नहीं तो इसका साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है। और इसे अगर सुबह शाम आप लेते हो तो आपको इसे डायरेक्ट पी के बंद नहीं कर देना है, जैसे आप पीते हो 2 दिन पिए, 1 हफ्ता मतलब पिए, उसके बाद आपको सीधा बंद नहीं करना है, नहीं तो आप और दुबले हो जाओगे, आपको भूख एकदम कम हो जाएगी। आपको इसे धीरे धीरे बंद करना है, जैसे सुबह शाम आप पीते हो तो उसके बाद 2 दिन या 3 दिन एक टाइम पीजिए, उसके बाद 1 दिन छोड़ के 1 टाइम, ऐसे मतलब धीरे धीरे आप इसको बंद करना है, तो आपको आपका भूख लगे रहेगी, मतलब वैसे ही आप रहोगे फिट, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है एक साथ अगर आप छोड़ते हो तो। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो मैंने बताया कि डॉक्टर की सलाह लेने, इसीलिए बताया क्योंकि आपको ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। कब्ज़, मुंह में सूखापन में हो सकता है, धुंधली दृष्टि यानी कम दिखाई देना, तो मैंने बताया ड्राइविंग ना करें, इसीलिए ना करें क्योंकि आपको अगर कम दिखाई देगा एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसे पीने के बाद नींद आता है फ्रेंड्स, इसे पीने के बाद ज़्यादा लोग को नींद आता है, इसीलिए अगर आप काम करते हो तो इसे इसका इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको नींद आएगा। खाने के बाद नींद आता है, भूख बहुत लगती है तो खाने के बाद नींद आएगा, और उल्टी दस्त, ये इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो कि मैंने आपको बता दिया। ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से परामर्श करें, नहीं तो आपको और दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको और कोई साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श कर लें। तो फ्रेंड्स, ये था साइपोन सिरप के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना है, किसी दवा के बारे में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।
वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।